हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज दिनांक 19/6/2022 को हम लोग दिल्ली गेट के राजघाट के पास गांधी म्यूजियम आए हुए हैं, जिससे आप लोगों को इस गांधी म्यूजियम में क्या क्या चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को भी हम कोशिश करेंगे काफ़ी दिखाने की, क्योंकि गार्ड सिक्योरिटी होती है, इन चीज़ों का अटेंशन नहीं करने ज़्यादा टाइम भी कम नहीं देते हैं। तो ठीक है, फिर गाइस देखिए, हम लोग एंट्री कर चुके हैं और आज खास डे ये है कि आज फादर डे है, फादर डे भी है। और देखिए, हम उस जगह पे गए हैं जो हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, जो मोहनदास करमचंद गांधी जी के नाम से परिचित है। तो देखिए, हम लोग एंट्री कर चुके हैं, ये सामने म्यूजियम है और इसके सामने इतनी अच्छी गार्डन बनी हुई है जिसमें अच्छे अच्छे पेड़ पौधे थे। ये देखिए, महात्मा गांधी जी का स्टैचू है यहाँ पर बनाई हुई, तो बहुत खूबसूरत था उस वहाँ पे। हमारे बच्चे लोग भी गए, देखा भी कि भाई महात्मा जी का स्टैचू लगा हुआ है, ये सब कुछ। तो प्लीज़ गाइज, आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ, ज़रूरी नहीं है कि इसी जगह, हर एक एक स्थान पे हिस्टोरिकल पैलेस पे जाइए और अपने बच्चों को हमारी हिस्ट्री से परिचय करवाइए, क्योंकि हमारे देश के धरोहर बच्चे ही हैं। हमारे बच्चे को इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे हमारे देश के नागरिक बनेंगे, उस देश के बारे में, उस देश की सारे कानून व्यवस्था के बारे में एक जड़ से समझेंगे, तो उनके लिए एक ईजी होगी हमारे देश के प्रति व्यवहार समझने में, रहने में, करने में। सो गाइस, आप लोग भी ये देखिए, स्टैचू के पास पिक ले रहे हैं लोग। तो देखिए गाइस, आप लोग देखिए, बापू के ये फिगर स्टैचू है, चरखा है, यहाँ पे पिक ले रहे हैं सभी, स्टैंड होकर के प्लीज़ देखिए। और छोटे छोटे इसमें फिगर है, बच्चे बहुत चकित थे कि बापू की पिक्स ब्लैक एंड वाइट क्यों है, कलरफुल क्यों नहीं है। तो क्योंकि पहले ज़माने में हमारे ब्लैक एंड वाइट थी। और इस सबसे बड़ी खास बात, हमारी बेटे कह रहे थे हमें यहाँ पे तो इनकी ही एक पिक क्यों स्पेशल लगी, दुनिया में तो बहुत सारे लीडर हैं, उनके भी नाम हैं, फिर इनकी ही स्पेशल क्यों लगी हुई है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, हर जगह पर हर की औरों की भी है पिक, ये अभी इनकी म्यूजियम है इसलिए इनके नाम को बारे में दर्शाई गई है, इनके लाइफ के बारे में बताई गई है, इनकी जो देश के प्रति इनकी व्यवहार थी वो सारे यहाँ पे जागृत की गई है, उल्लेखित के बताया गया है। ये सब देखिए, ये बापू जी हैं, इनके फर्स्ट फ्लोर पर जाके एक म्यूजियम है, देखिएगा जा रहे हैं ये लोग। बच्चे पहले थे कि कह रहे थे कि मम्मी ये कोई कैसा लीडर है, जो इनके बॉडी पर तो उतने खास कपड़े नहीं है, एक धोती सिंपल सा पहन रखे हैं और सिंपल से बॉडी पे एक शॉल डाल रखा है, ऐसा क्यों मम्मी इतने पैसे वाले लीडर होते, बट तो ये देखिए, यही तो पहचान है बच्चों की, समझदारी कराने का, कि भाई ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने वस्त्र ऐसे सिंपल पहना है तो इनकी एक असलियत पहचान है या कोई ऐसा है, जी नहीं, ये एक सादगी की ज़िंदगी थी इनका, मतलब एक आम जिंदगी जी करके, एक आम व्यक्तियों के साथ दुख दर्द के सम्मिलित बना करके रह करके एक नेता टेलीफोनगिरी का फर्ज निभाया, अपने देश का नागरिक। और ये देखिए, जो यहाँ टेलीफोन जो रखा हुआ है, इसमें महात्मा गांधी जी का मतलब वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग रखा हुआ है, जिस समय ब्रिटिश लोगों से जिस पीरियड में बात किए, वो आज भी इसमें रिकॉर्डिंग रहे, मैंने भी सुनी थी इसमें। ये देखिए आंटी, अंदर जाने की है इनके रूम, म्यूजियम है, ये सारे स्टैचू लगे हैं, छोटे छोटे लेटर में लिखे हुए, हिंदी इंग्लिश सब भी भाषाओं में लिखी हुई है इनके। देखिए, बापू तो चले गए, ये कोई बापू के दिन नहीं है कि हाँ मेरे स्टैचू को सजाना, मेरी लिखी हुई बातों को सजाना, मेरे कपड़े को सजाना, मेरी खाए बर्तन को सजाना, सब कुछ कहीं ऐसे उनके दांत तक रखी गई है, उनकी हार्ट बीट रखी हुई है। ये देखिए, इनकी वो मकान की मतलब ये सिंपल है जिसमें इन्होंने रहते थे। ये देखिए, मुद्राएं हैं पहले ज़माने की, ये सारी मुद्राएं इसलिए रखी गई है इस म्यूजियम में ताकि जो व्यक्ति नहीं देखा होगा परिचित हो इससे कि हाँ हमारे ज़माने में, हमारे इंडिया में, हमारे ज़माने में नहीं, बहुत पहले ज़माने में ये इंडिया में ये देखिए मुद्राएं चलती थी, पहले इसी को ही पैसे बोले जाते थे और इसी मुद्रा से ही हमारी आर्थिक स्थितियाँ का जो भी मूल्यांकन होता था। ये देखिए, ये सारे मुद्राएं हैं जो अपने ये बापू जी का घर है जिसमें रहते थे, ये उसकी सिंपल बना करके शीशे में सजाया गया है देखने के लिए, ताकि बच्चे देखो ऐसे मकान में वो रहते थे, उनका ये सिंपल है। तो देखिएगा इस, इसलिए हमें अपने बच्चों को बताना ज़रूरी है कि हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश व्यवस्था को कायम आज तक रखा हुआ है,
अगर ना हिस्ट्री होती ना आज हमारा कायम व्यवस्था होता, क्योंकि हम खुद एक फैमिली को नहीं संभाल पाते तो क्या इतना बड़ा देश को संभाल। आज के लीडर वो कामयाबी नहीं कर पाते हैं जो कल था। जितनी व्यवस्थाएं हैं उतनी ही नाकामयाबी भी हो जाती है बीच बीच में। कि देखिए कस्तूरबा बाई हैं, इनकी बापू जी की जैकेट है, कस्तूरबा जी की यहाँ पे कड़े हैं, ये कड़े हैं उनके, ये देखिए स्टैचू है इनकी। तो सो गाइस इसलिए ये उनका मंत्र है बापा गांधी जी का, उनके ये वस्त्र है रखे हुए, कोट है और सॉल था बापू का, बड़े संभाल के केंद्र से रखा। फिर क्यों बापू ने क्या कह के गए थे? जी नहीं, ये हमारे एक उनकी जो कहते पहचान, उस व्यक्तित्व की पहचान कि इतनी सादगी में रह के हमारे देश के महान व्यक्ति बन के गए हैं। सब बच्चों को इसलिए दिखाना चाहिए कि एक कर्तव्य ही सबसे बड़ा पहचान है। इंसान सभी होते, क्या बापू इतने खूबसूरत है? जी नहीं, इससे इनसे बहुत खूबसूरत खूबसूरत बहुत सारे हमारे दुनिया धरती पे लोग हैं, बट इनकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि इनकी महानता, कर्तव्यता, इनकी कृतज्ञता, सहनशीलता, सब कुछ जो चीज थी वो इनको दर्शाया गया है इस म्यूजियम में, दिखाया जा रहा, आज सेव करके रखी हुई है। इनकी जो वॉइस कॉल थी कि देखो एक ब्रिटिश से बात करने की क्या इनकी जज्बात थी, हितोषी जज्बाते। ये देखिए यहाँ पे जो है इनकी वो फाइल्स रखी हुई है जिसमें इन्होंने एक एक चीज़ों को बातों को लिखी थी, बड़े संभाल के, फाइल सारे सड़ चुकी थी फिर भी देखिए बहुत संभाल के रखा गया है। ये देखिए सारे इनकी फाइल्स हैं लिखे, यहाँ ये है तिरंगा झंडा। इस तिरंगे झंडे में बापू ने अपने हाथों से खुद धागों से सूते से बना करके झंडा बनाया जिसपे ये चरखे की निशान बनाई हुई है। पहले जमाने में यही तिरंगा झंडा होता था और उस पे सिंबल चरखे की निशान होती थी, बट आज के डेट में शोक चक्र सिंबल है हमारे चक्र तिरंगा झंडा के बीच में तीन। और ये है कपड़े जिन्हें ने खुद, ये देखिए धागे भी है सुई भी है जिन्हें खुद इसी धागे सुई से बापू ने अपना ये शॉल बनाया है, ये भी दिखाया जा रहा है इसमें आपको। ये देखिए अब ये आते हैं नोट जिसे रुपए कहते हैं, वो तो मुद्राएं थी सिक्के। ये देखिए नोट कुछ इसमें मुद्राएं भी दी गई है, ये देखिए ये भी है 100 की मुद्रा है, ये बैक है, फ्रंट है, ये सारी देखिए उस जमाने की ऐसे होती थी मुद्राएं। ये बापू जी का फिगर है स्पेशल, ये भी है बापू जी का ही, ये देखिए अशोक चक्र, ये देखिए सारे ये सच में जैसे ये सारे जो लगे हुए हैं उस समय की ये मुद्राएं हैं। तो प्लीज गाइस देखिए, हम लोग तो देखा ही और शायद कोई देखा हो, ओल्ड हो तो देखे हो इन सब मुद्राओं को, जो नहीं देखे हैं जिनके बच्चे नहीं देखे तो प्लीज आइए म्यूजियम में देखिए। ये देखिए हमारे 2 रुपए की नोट है, ये बैग थी और फ्रंट थी, 1 रुपए को भी आपने दिखाया था, ले 5 रुपीज 5 रुपये, ये 5 रुपए है ग्रे एंड ब्लैक वाइट में होता था, ये देखिए ब्लैक ग्रे वाइट में होती थी ये रुपए। ये तो आजकल अवेलेबल है, प्रेजेंट टाइम में मिल जाएगी। ये देखिए आपको 100 रुपीज की जो अभी भी अवेलेबल है, ये सारी मुद्राएं हैं, ये वो 100 रुपीज है, 100 रुपीज पहले भी देखा और ये बहुत पहले जमाने में चलती थी जो बापू के जमाने संभाल के रखी गई है। ये सारे हमारे इंडिया की मुद्राएं हैं, ये 1000 रुपीज है, अभी प्रेजेंट 4-5 साल पहले ये बंद हो गई थी, 2018 में बंद हुआ था। ये देखिए 500 की ये नोट है, ये सारे पहले की 50 रुपए की नोट है, ये देखिए 1000 रुपए की जो आपने देखा, ये भी 100 रुपये अभी प्रेजेंट में अवेलेबल मिल जाएगी। तो सो गाइस देखिए रुपए तो है इसलिए सजाया गया रखा गया कि हमारी इंडिया की ये सारी पहचान है। ये देखिए पहले ज़माने में हमारे इंडिया में क्या क्या चला है, किस किस तरह की मुद्राएं चली हुई है बनी थी, ये सब पहचान के लिए हमारे रखी हुई है, बट हमारे घर में नहीं है देखने के लिए, नामो निशान भी नहीं है क्योंकि हमारी पीढ़ी चला नहीं, हमारे समय में आया ही नहीं तो हमने देखा नहीं। लेकिन यहाँ म्यूजियम में रखा हुआ है जो कि बच्चों को देखने के परीक्षक के लिए एक है। जब हिस्टोरी का बुक पढ़ते हैं बच्चे तो कई ऐसी बातें होती, कई ऐसी मुद्राएं उसमें फिगर देखा होता है तो सोचते हैं बच्चे, तो थोड़े टाइम लगते थे इसलिए प्लीज। ये देखिए 5 रुपीज की है, ये भी 10 रुपीज है जिसमें ब्लैक एंड ग्रे वाइट मिक्स किया हुआ है, ये रुपीज है, फ्रंट 10 रुपीज है,
इस तरह से ये सारे मुद्राएं हैं, रुपए हैं, जिसका यूज हुआ है हमारे इंडिया में और हो भी रही है, ठीक है। और जो ये देखिए, ये रामायण की एक पांडुलिपि लिखी था सारा, जो बापू ने लिखी थी, और बापू जी का ये हस्ताक्षर है जो रखा हुआ है बड़े संभाल के, और ये सारी उनकी लिखित हुए। और इन्होंने पता है किसमें लिखे, कोई पेज पन्ने पे नहीं है, इन्होंने खादी के कपड़े पे इंक से लिखा हुआ है। और ये आपका इस देखिए कि ये हमारा अंतरदेशी लिफाफे हैं, पहले जमाने में जो लिफाफे ये हैं इसी से संदेश भेजा जाता था, या छोटी मोटी वस्तु भी कोई आदान प्रदान किया जाता था इसी के थ्रू। जिस प्रकार बच्चों को ये नहीं पता है कि चिट्ठी क्या होती है, ये लिफाफे में क्या डलती है, एक खिलौना ही समझ के समझ जाते हैं, लेकिन नहीं, ये एक खिलौना था आज के डेट में लगता है, लेकिन यही कागज़ के लिफाफे एक हमारे लिए बहुत लाइफ की इम्पोर्टेंट संदेश जाती आती थी। इसका कोई का इमरजेंसी संदेश जाना या किसी का खुशी का संदेश जाना बहुत बड़ी लाइफ का हेल्पफुल साधन था ये, जिसे अंतरदेशी ये सारे टिकट बोलते थे, स्टैंप बोलते थे। इसके ये छोटे छोटे जो थे स्टैंप सिंबल होता था, इस पे चिपकाना होता था कौन सा स्पीड पोस्ट है, कौन सी पोस्ट किस एरिया में भेजना है, कहाँ पे किसका, मतलब हर एक देश का अपना अपना सिंबल बनाया होता है कि ये इस देश का सिंबल है, ये स्पीड पोस्ट है, जल्दी पहुँचाना है, हफ्ते दिन के अंदर जल्दी पहुँचाने वाली स्पीड पोस्ट, तो ये सारे 24 घंटे के अंदर पहुँचा सके, मतलब जिस तरह की दूरियाँ होती थी उसी लेवल से ये पोस्टिंग का स्टैम्प डाल चिपकाया जाता था। देखिए लिफाफे जो खादी से बनाए हुए बापू जी ने अपने हाथों से, ये भी अभी आदमी संभाल करके सिंपल रखा हुआ है, देखिए बापू द्वारा बनाई गई खादी के कपड़ों, खादी से चरखे के द्वारा, ठीक। इसलिए इस लिफाफे में ये चीज़ें हैं कि देखिए बच्चों तो जानते भाई वो ऑन फोन, हाँ जी फ़ोन कर दिया, डिलीवरी करवा दिया, ऑनलाइन ऐसे करा दिया, वो करा दिया, लेकिन हमने ये नहीं बच्चों ने देखा कि ये लिफाफे क्या चीज़ होते हैं, अंतर्देशीय लिफाफे ये क्या होती है। भारत का राष्ट्रीय ये सारे अंतर्देशीय लिफाफे हैं जिसमें पहले संदेश जाती थी, छोटे मोटे रुपए पहले डाल दिए जाते, आजकल तो पेटीएम पे पेटीएम सब कुछ भरा हुआ है, बटन के थ्रू बच्चे पैसे भेज देते हैं। ये जो है ये बापू जी की